हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आलोक एंड वेलकम टू एम्पलीफाई लर्निंग। सो जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा दैट आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिजेरियम नंबर के ऊपर प्रोग्राम। एंड ये प्रोग्राम आपका क्लास इलेवेंथ या फिर क्लास ट्वेल्थ से रिलेट करता है, बिकॉज इस प्रोग्राम में हम डिजेरियम नंबर को बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन। तो रिकर्जन का यूज़ करेंगे हम इस प्रोग्राम में। तो कई लोगों ने इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था डिजेरियम नंबर यूजिंग रिकर्जन, तो इस वीडियो को आज हम बना रहे हैं। तो चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन एंड बनाना स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को। सो द क्वेश्चन इज, आपकी स्क्रीन पे आप देख लो। सो द क्वेश्चन इज, अ डिजेरियम नंबर इज अ नंबर इन विच द सम ऑफ द डिजिट्स टू द पावर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पोजिशन इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। मींस डिजेरियम नंबर क्या होगा, जैसे मान लो एक नंबर है 135, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर डिजिट को इसमें से निकालेंगे, जैसे कि 1 को निकाला, 3 को निकाला, 5 को निकाला, एंड उसके बाद में हर डिजिट को उसकी पोजिशन से उसकी पावर में लगा दिया। जैसे कि 1 आपका फर्स्ट पोजीशन पे है तो 1 को 1 पावर से रेस कर दिया, 3 आपका सेकंड पोजीशन पे है तो उसको सेकंड पावर पे रेस कर दिया, एंड 5 आपका थर्ड पावर पे है तो उसको थर्ड पावर पे रेस कर दिया। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर डिजिट को निकाल रहे हैं एंड हर डिजिट को उसके रिस्पेक्टिव पोजीशन वाली पावर से रेस कर रहे हैं। फिर हम सारे डिजिट्स को जब वापस जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो जाएगा, 5 का क्यूब यहाँ पे 125 हो जाएगा। तो 125 प्लस 9 प्लस 1 जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा वापस से, 135। देयरफोर हम कह सकते हैं दैट 135 इज़ अ डिजेरियम नंबर। तो बहुत ही सिंपल सा नंबर है डिजेरियम नंबर। इसमें हमें करना क्या होगा, कोई भी नंबर आएगा उसे हम एक्सेप्ट करेंगे यूज़र से, उसके बाद में उसके डिजिट्स को सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, और उसके बाद हर डिजिट को उसकी पावर से रेस करके हम सिंपली ऐड कर लेंगे एंड चेक कर लेंगे क्या हमारा सम जो आ रहा है वो हमारे शुरुआत वाले नंबर यानी कि n के बराबर था कि नहीं था। अगर है तो हमारा नंबर डिजेरियम है, अदरवाइज डिजेरियम नंबर वो नहीं है। तो यही हमें करना है यहाँ पे। बट इस प्रोग्राम में एक ट्विस्ट ये है या फिर एक चेंज ये है दैट हमें ये काम करना है विद द हेल्प ऑफ रिकर्सिव फंक्शन या फिर विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन। तो पूरा प्रोग्राम पढ़ते हैं ताकि आपको भी बेटर समझ में आए कि हमें यहाँ पे करना क्या है, ये तो समझ में आ गया होगा बट कैसे करना है ये आपको क्वेश्चन में ये भी दिया गया है। तो देखो आगे है, डिज़ाइन अ क्लास डिजेरियम टू चेक इफ़ अ गिवन नंबर इज डिजेरियम नंबर और नॉट। तो हमें एक क्लास बनानी है डिजेरियम नाम से। तो ये डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन है क्लास ट्वेल्थ का या इलेवेंथ में भी आ सकता है इस तरह का। तो यहाँ पे हमें एक डिजेरियम नाम का क्लास बनाना है दैट विल चेक दैट द गिवन नंबर इज डिजेरियम और नॉट। ये क्लास चेक करेगा कि कोई नंबर डिजेरियम है या फिर नहीं। फिर आगे है, सम ऑफ द मेम्बर्स ऑफ द क्लास आर गिवन बिलो। तो कुछ यहाँ पे क्लास के मेंबर्स के बारे में नीचे यहाँ बताया गया है। तो देखो पहले आपको क्लास का नाम सीधे सीधे बता दिया गया, क्या रखना है, डिजेरियम। डिजेरियम इज योर क्लास नेम। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्लास का नाम आपको यही रखना पड़ेगा, आप अपने मन से कुछ भी नहीं रख सकते, ठीक है, इस बात का खासकर ध्यान रखना। इसके बाद अगली चीज़ दी है, डेटा मेंबर्स और इंस्टेंस वेरिएबल्स। अब ये क्या होते हैं, यहाँ पे जो आपको वेरिएबल दिए होते हैं क्लास मेंबर्स और डेटा क्लास मेंबर्स में डेटा मेंबर्स, तो डेटा मेंबर जो यहाँ पे दिए होंगे इनको आपको एज अ क्लास वेरिएबल मतलब कि क्लास के जस्ट अंदर लिखना होता है इन वेरिएबल्स को। तो दो वेरिएबल हमें लेने हैं, इंट नम एंड इंट साइज। अभी देख लेते हैं हमें फंक्शंस कौन कौन से बनाने हैं। तो पहला फंक्शन हमें बनाना है डिजेरियम नाम से, मतलब ये कंस्ट्रक्टर है हमारा, देखो क्लास के नेम जैसा फंक्शन है एंड इसके अंदर एक पैरामीटर भी है। तो पहले हमें दिया भी हुआ है दैट वी हैव टू मेक अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स एन इज इक्वल टू एन एन एंड साइज इज इक्वल टू 0। तो कंस्ट्रक्टर बनाना है मतलब हमें अपने डेटा मेंबर्स की वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करना है। फिर आगे है, एक दूसरा फंक्शन बनाना है काउंट डिजिट्स नाम से, दैट विल काउंट द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स एंड असाइन इट टू साइज। तो यहाँ पे ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, ये काउंट करेगा ये फंक्शन कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं हमारे नंबर में, ये भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हमें अगला काम करना है इंट सम ऑफ डिजिट्स नाम का एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना है। और ये क्या करेगा देख लो, यहाँ पे दिस रिकर्सिव फंक्शन इट रिटर्न्स द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर टू द पावर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस यूजिंग रिकर्सिव टेक्निक। तो ये है हमारा रिकर्सिव फंक्शन जो क्या करेगा, नंबर्स के डिजिट्स को ब्रेक करके उनकी पावर से रेस करके उनका सम निकाल के आपको दे देगा। तो ये अपने आप से तो नहीं देगा, ये हमको बनाना पड़ेगा। तो इसको हम सबसे लास्ट में डिज़ाइन करके देखेंगे, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसको बनाना कैसे है। एंड लास्ट में हमें क्या करना है, वॉइड चेक नाम का एक फंक्शन बनाना है जो कि क्या करेगा, चेक करेगा कि कोई नंबर डिजेरियम है कि नहीं एंड उसके अकॉर्डिंग मैसेज डिस्प्ले कर देगा कि हाँ नंबर डिजेरियम था या फिर नहीं था। तो ये सारा काम हमें करना है इस प्रोग्राम में,
तो मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया यहाँ पे क्या क्या करना है, तो चलो अभी ब्लूजे ओपन करके इस प्रोग्राम को बनाना स्टार्ट करते हैं। एंड रिकर्सिव फंक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वाला फंक्शन हम बना तो देंगे, बट इसको मैं सबसे लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे बनेगा एंड इसका काम कैसे होगा, ठीक है? तो चलो ये ब्लूजे ओपन कर लेते हैं, इस प्रोग्राम को बनाना स्टार्ट करते हैं। सो ये हमने ओपन कर लिया है ब्लूजे, एंड यहाँ पे मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोग को साफ यहाँ पे दिखे। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक क्लास बना लेते हैं डिजेरियम नाम से, तो क्लास डिजेरियम, ठीक है? अभी इस क्लास को ओपन कर लेते हैं, एंड इस क्लास को मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखाई दे। ये है क्लास डिजेरियम, एंड इसमें अब हम पुराना सारा जितना लिखा होता है वो मिटा देते हैं, एंड फिर यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं क्लास। तो यहाँ पे हम बनाते हैं क्लास डिजेरियम। उसके बाद में सबसे पहले हमें क्या बनाना है इसके अंदर, मेन फंक्शन, क्योंकि ये हर हर क्लास में आपको बनाना ही होता है, तो इसको बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसको आप सबसे लास्ट में भी बना सकते हो, बट मेरी आदत है मैं सबसे पहले ही इसको लिख देता हूँ, ठीक है? ताकि क्लास का स्ट्रक्चर आपका रेडी हो जाए कि कितना मिनिमम काम आपको वहाँ पे करना है। अब बाकी इसमें करना क्या क्या है वो हम लास्ट में देख लेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे हमें क्या करना था, देखो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, सबसे पहली चीज़ हमें बनाना है मेथड में अपना कंस्ट्रक्टर, ठीक है? कंस्ट्रक्टर बनाना है, और उससे भी पहले हमें डेटा मेम्बर्स को बनाना है, दैट इज़ इंट नम एंड इंट साइज़। तो इन डेटा मेम्बर्स को बना लेते हैं। सबसे पहले एक डेटा मेम्बर बनाएंगे इंट नम नाम से, एंड एक दूसरा डेटा मेम्बर बनाएंगे इंट साइज़ नाम से। अब मेरा सजेशन यही रहेगा कि जब आप डेटा मेम्बर्स को बनाना तो उनको अलग अलग लाइन पे ही बनाना, ठीक है? क्यों? बिकॉज़ यहाँ पे आपको कमेंट लिखने में आसानी रहेगी कि हर वेरिएबल किस लिए यूज़ हुआ है। तो नम यूज़ कर रहे हैं हम नंबर को स्टोर करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे मैंने कमेंट दे दिया टू स्टोर दी नंबर, एंड साइज़ के आगे मैं लिख दूंगा टू स्टोर दी साइज़। तो दोनों वेरिएबल्स के आगे मैंने उनका कमेंट भी लिख दिया कि उनका यूजेज यहाँ पे है क्या, ठीक है? इससे कहीं ना कहीं हेल्प होता है कि किस वेरिएबल का क्या काम है, वो भी आप यहीं अपने प्रोग्राम में कमेंट्स के फॉर्म में एक्सप्लेन कर दो। इसके बाद में अगली चीज़ हमें क्या बनानी है, कंस्ट्रक्टर। मेथड नेम डिजेरियम, मतलब ये कंस्ट्रक्टर है बिकॉज क्लास के नेम जैसे इसका नेम है। एंड ये करेगा क्या, हमने पढ़ा था ये भी, दैट यहाँ पे हमें अपनी वैल्यूज़ को इनिशलाइज करना है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ से, ठीक है? तो अभी बना लेते हैं अपना कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर इज़ डिजेरियम। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, इसका कोई जो क्लास नेम होता है वो क्लास इसका जो नेम होता है वो क्लास नेम जैसे ही होता है। इसके अंदर हमें एक पैरामीटर लेना था एन एन, एंड इस फंक्शन के अंदर या इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या करना होता है हमें, दैट हमें अपने डेटा मेम्बर्स का वैल्यू इनिशलाइज करना होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू से। बट ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू से नहीं करेगा बिकॉज ये आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आया है वो आप भेज दोगे अपने नम में, एंड साइज़ को आपको डिफाइन करना है किससे, ज़ीरो से। साइज़ ज़ीरो से क्यों किया, बिकॉज साइज़ के लिए कोई पैरामीटर है भी नहीं, और क्वेश्चन में ही आपसे बोल रहा है दैट आपको साइज़ को ज़ीरो से इनिशियलाइज़ करना है, ठीक है? सीधे सीधे उसमें क्वेश्चन में ही वो बता रहा है दैट यू हैव टू इनिशियलाइज़ योर साइज़ इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन जो हमें बनाना है, नेक्स्ट फंक्शन हमें बनाना है वॉइड काउंट डिजिट्स नाम से, जो कि क्या करेगा, ये काउंट करेगा कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं आपके नंबर में। तो अगला फंक्शन हमें बनाना है void count digits नाम से, तो इसको बना लेते हैं। सो नेक्स्ट फंक्शन इज void count digits, तो इसके आगे बनाते हैं void count digits, ठीक है? अभी यहाँ पे इसके अंदर क्या करना है ध्यान देना, void count digits क्या करेगा, ये काउंट करेगा कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आपके नंबर में है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप while लूप लगा के काउंट कर लो, लेकिन यहाँ जो मैं तरीका अपनाऊंगा वो बहुत ही सिंपल सा होगा। देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा int l इज़ इक्वल टू, या int लेंथ इज़ इक्वल टू, मैं लेंथ ले लेता हूँ, चलो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। लेंथ इज़ इक्वल टू, कैसे लेंथ निकालेंगे, देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ ब्लैंक ले लूँगा स्ट्रिंग, इसमें ऐड कर दूंगा अपना नंबर दैट इज़ नम, एंड इसके बाद में मतलब एक ब्लैंक और एक नम को ऐड करने के बाद में ये क्या बन जाएगा, एक स्ट्रिंग, और सीधे सीधे मैं इसका क्या निकाल लूँगा, लेंथ, यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शन जो लेंथ होता है। तो यहाँ पे सीधे सीधे आप लेंथ निकाल सकते हो, आपको ज़्यादा झमेले में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे निकाल सकते हो। एंड यहाँ पे इसके बाद में आप लिख दो साइज़ इज़ इक्वल टू लेंथ, मतलब आपको साइज़ के अंदर ये लेंथ भेज भी देना है। एक तो तरीका ये है, एक तरीका और हो सकता है अगर आप इस तरह ना करना चाहो तो यहाँ पर आप एक और तरीका लगा सकते हो बड़ा वाला। तो यहाँ पर आप ले लो इंट लेंथ इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है? उसके बाद आप चला दो वाइल लूप, वाइल में क्या करो, और यहाँ पे एक और चीज़ ले लो इंट
सॉरी इंट नहीं, टेम्प इज इक्वल टू नम। एक टेम्प वेरिएबल में नम को ले लो और टेम्प को डिवाइड करते जाओ बार बार 10 से। टेम्प को आप डिवाइड करते जाओ बार बार आप 10 से। टेम्प डिवाइड इज इक्वल टू 10, या फिर टेम्प इज इक्वल टू, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डिवाइड बाय 10। मतलब आप टेम्प को बार बार 10 से डिवाइड करते जाओ तो होगा क्या, टेम्प का एक एक डिजिट निकलता जाएगा। एंड ये जितनी भी बार हो रहा है ना ये काम, उतनी बार आप क्या करो, लेंथ को एक एक प्लस प्लस करा दो। तो इससे क्या होगा, जितनी भी बार ये लूप चलेगा, मतलब जितनी भी बार आपका लेंथ डिवाइड, सॉरी टेम्प डिवाइड होता रहेगा, मतलब उतने नंबर ऑफ डिजिट्स उस टेम्प वेरिएबल में है। जब टेम्प आपका जीरो हो जाएगा तब ये लूप चलना बंद हो जाएगा। मीन्स लेंथ आपका जितनी बार भी प्लस प्लस होगा वो आपको बता देगा कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स वहाँ पे लाई कर रहे हैं। एक तरीका तो ये है, एंड एक तरीका सिंपल वाला कौन सा है, जो मैंने पहले आपको बताया था, दैट इज़ ये वाला। एकदम सिंपल सा तरीका था, स्टार्टिंग मैंने बताया था, फिर से देख लो। एंड मेरे हिसाब से बेटर तरीका यही है, दैट इज़ आप ऐसे कर लो, ठीक है। दैट इज़ अब यहाँ पे ये कर लो, एंड ये बेटर तरीका है। इंट लेंथ इज इक्वल टू, आप नंबर को अपने स्ट्रिंग में ऐड करके उसका लेंथ निकाल लो, ये सीधे सीधे आपको लेंथ यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेटर, तो इसी को लेके चलते हैं। अब देखते हैं आगे हमें क्या करना है प्रोग्राम में। अब इसके बाद हमें बनाना है अपना रिकर्सिव फंक्शन, दैट इज़ इंट सम ऑफ डिजिट्स, जिसके अंदर दो पैरामीटर्स आएंगे। एंड ये करेगा क्या, इट विल रिटर्न द सम ऑफ डिजिट्स टू ऑफ द नंबर रेज टू द पावर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पोजिशन। तो सारा मेन जो काम है वो इसी फंक्शन का है, तो इसको बना लेते हैं, बट इसके अंदर का कंटेंट अभी हम नहीं लिखेंगे। तो इसको हमने बना लिया है यहाँ पे, इंट सम ऑफ डिजिट्स एन कॉमा पी, इसके अंदर पैरामीटर्स गए। एंड इसके अंदर अभी हम कुछ नहीं लिखेंगे, बिकॉज ये मैं लास्ट के लिए छोड़ के रख रहा हूँ। जितनी भी हम वर्किंग करेंगे यहाँ पे करेंगे, एंड इसको हम लास्ट में करते हैं। तो इसके बाद देख लेते हैं अगला फंक्शन क्या करेगा। अगला फंक्शन हमारा है वॉइड चेक, एंड वॉइड चेक को क्या करना है, चेक वेदर द नंबर इज अ डिजेरियम नंबर एंड डिस्प्लेज द रिजल्ट विद एन अप्रोप्रिएट मैसेज। तो चेक को क्या करना है, चेक फंक्शन को क्या करना है, चेक फंक्शन को चेक करना है कि दो नंबर, सॉरी दो नहीं, एक नंबर डिजेरियम है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप चेक कर लो इफ नम इज डबल इक्वल टू, मतलब अगर आपका नंबर उसके डिजिट्स के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो डिजिट्स के स्क्वायर का सम तो आपको ये वाला फंक्शन ला के दे देगा ना, यही तो फंक्शन होगा, फंक्शन टू गिव सम ऑफ डिजिट्स, और ये कमेंट में यहाँ लिख देता हूँ, बिकॉज यही तो आपका मेन फंक्शन है ना, जो आपको सम ऑफ डिजिट्स ला के देगा रेस्ड टू द पावर। तो यही फंक्शन है जो आपको सम ऑफ डिजिट्स ला के देगा, तो आप इसी फंक्शन को कॉल कराओगे, है ना, इसी फंक्शन को कॉल कराओगे किसके लिए, n इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट्स, इसके अंदर पास करोगे नम कॉमा साइज। तो आपको यही चीज़ बस चेक करनी है, आप क्या करोगे, मेनली इस फंक्शन को कॉल कराओगे, बाकी सारा काम तो ये फंक्शन कर ही रहा है ना। इस फंक्शन के अंदर क्या जाएगा, नंबर जाएगा और उसका साइज जाएगा, जो कि हमने शुरुआत में ही क्लास वेरिएबल के फॉर्म में बना लिए थे, वो दोनों इसके अंदर हम पास करेंगे। तो बाकी सारा काम ये फंक्शन करेगा, ये फंक्शन उन डिजिट्स को वहाँ से ब्रेक करेगा, उनको पावर पे रेज करेगा पावर पे, एंड उसके बाद उनका सम निकाल के आपको वापस दे देगा। तो अगर ये सम, मतलब सारे डिजिट्स को उनकी पावर पे रेज करके उनका जो सम आएगा वो सम बराबर होता है नम के, तो आपको सीधे सीधे यहाँ पे क्या प्रिंट कर देना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डिजेरियम नंबर, मतलब जो नंबर है वो डिजेरियम नंबर है। तो यहाँ पे आपको चाहे नंबर भी प्रिंट करना हो तो आप नंबर को भी प्रिंट कर सकते हो, कुछ इस तरह आप यहाँ पे लिख दो नम प्लस स्पेस इज अ डिजेरियम नंबर, ठीक है, आपने नंबर को यहाँ पे प्रिंट कर दिया कुछ इस तरह। इसके बाद आप एल्स यहाँ पे दे दो, एल्स अगर ऐसा नहीं है आपके नंबर वहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा है उस सम के, तब आप प्रिंट कर दो दैट योर नंबर इज नॉट अ डिजेरियम नंबर, यहाँ पे बस आप लगा दो नॉट अ डिजेरियम नंबर। तो ये काम करेगा चेक फंक्शन, चेक फंक्शन बेसिकली चेक कर लेगा कि आपका नंबर बराबर है सम ऑफ डिजिट्स के कि नहीं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें एज सच यहाँ पे तो कुछ नहीं बोला गया, लेकिन लास्ट में से बोलते हैं कि मेन फंक्शन बनाओ, वो आई थिंक मैं कॉपी करना वहाँ से भूल गया, बट यहाँ पे आपको मेन फंक्शन भी बनाना होगा टू कॉल ऑल दीज अबव फंक्शंस, ठीक। तो देखते हैं, ये सारे फंक्शंस हमारे रेडी हो गए। देखो कंस्ट्रक्टर हमने बना लिया, काउंट डिजिट्स हमने बना लिया, अभी इसको हमें बनाना है, इसको अभी हम बनाएंगे, मैं बताऊँगा वहाँ पर, और बाकी हमारा वॉइड चेक फंक्शन रेडी हो गया।
अब हमें यहाँ पे क्या क्या करना है देखो, तो सबसे पहला काम आपको मेन फंक्शन में क्या करना होगा कि इन फंक्शंस को कॉल तो कराना है, एक चीज़ तो है, साथ साथ हमें यूज़र से एक नंबर भी तो लेके आना है। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि यूज़र से एक नंबर इनपुट कराते हैं। तो स्कैनर इन इज़ इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो सबसे पहला काम हम यूज़र से एक नंबर इनपुट कराएंगे। पहले यूज़र को एक मैसेज दे देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर अ नंबर। तो यूज़र को हमने एक मैसेज दिया टू एंटर अ नंबर, एंड यहाँ पे ले लेते हैं इंट एन इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट INT। ठीक, हमने यूज़र से एक नंबर ले लिया यहाँ पे। अब क्योंकि हमने स्कैनर का यूज़ किया है तो स्कैनर को यहाँ पे हमें इम्पोर्ट भी कराना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो स्कैनर क्लास को हमने यहाँ पे इम्पोर्ट करा लिया। अभी यहाँ पे नंबर इनपुट होके आ गया है, हमें क्या करना है, अब अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है जहाँ पे हम डिजेरियम कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेंगे। तो देखो कैसे, यहाँ पे अपने क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा कुछ ऐसे, क्लास का नाम लिखा, फिर OBJ या फिर जो भी नाम आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट का देना है, आप सिर्फ OB भी लिख सकते हो, OBJ भी लिख सकते हो, इज़ इक्वल टू न्यू, फिर से अपने क्लास का नाम लिख दो डिजेरियम। एंड इस बार सिर्फ ब्लैंक ब्रैकेट्स नहीं भेजेंगे, इस बार हम इसके अंदर पैरामीटर भी भेजेंगे, जो कि क्या होगा, जो नंबर हमारा है वो। तो पैरामीटर में आप यहाँ पे भेज दो नम या एन, एन में आपका नंबर है ना, एन इज़ इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट एंटी किया था, तो जो नंबर आया वो इस बार अपने क्लास के ऑब्जेक्ट के इसमें ब्रैकेट के अंदर भी भेज दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आप यहाँ पे देखो, क्योंकि जो आपने कंस्ट्रक्टर बनाया है उसके अंदर एक वैल्यू यहाँ पे आपको लेना है, दैट्स वाई यहाँ पे हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे एक पैरामीटर भी पास करेंगे, और पैरामीटर क्या होगा, वो होगा हमारा नंबर। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें अपने काउंट फंक्शन को कॉल करना है, काउंट डिजिट्स फंक्शन को। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड इसी को हमें कॉल करना है नीचे। तो अब हम काउंट फंक्शन को कॉल करेंगे, तो OBJ ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करते हैं, बिकॉज वो नॉन स्टैटिक फंक्शन था तो हमने ऑब्जेक्ट की हेल्प से यहाँ पे कॉल कर लिया OBJ डॉट काउंट डिजिट्स। ये क्या करेगा, जितने भी डिजिट्स होंगे हमारे नंबर में वो काउंट हो जाएंगे एंड वो साइज़ में जाके एलोकेट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला काम हमें क्या करना है, हमें इस रिकर्सिव फंक्शन को कॉल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्यों, बिकॉज ये रिकर्सिव फंक्शन ऑलरेडी यहाँ से कॉल हो रहा है, तो हमें अब इसको कॉल नहीं करना है। ठीक, ध्यान रखना, ये नहीं कि सारे फंक्शंस को कॉल कर दो रैंडमली, आपको सम ऑफ डिजिट्स को कॉल नहीं करना है, बिकॉज सम ऑफ डिजिट्स आप यहाँ से कॉल कर रहे हो चेक फंक्शन से। तो आप कौन सा फंक्शन कॉल करोगे, अब सिर्फ आप सिर्फ चेक फंक्शन को कॉल करोगे। तो यहाँ पे एक और लाइन लिख देते हैं, OBJ डॉट चेक। ठीक, तो आपको बस चेक फंक्शन को कॉल करना है, बाकी चेक फंक्शन के अंदर से सम ऑफ डिजिट्स ऑलरेडी कॉल हो जाएगा एंड आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो सारा काम हम कर चुके हैं, बस एक चीज़ हमने अभी तक नहीं करी है जो कि मेन इस प्रोग्राम की जान है, दैट इज़ द रिकर्सिव फंक्शन फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ डिजिट्स रेज टू द पावर। इसको मुझे क्योंकि डिटेल में बताना था इसलिए मैंने स्टार्टिंग में नहीं किया था, तो अभी चलो देखते हैं कि इस फंक्शन को हम बनाएंगे कैसे। तो पहले आपको मैं क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन इस फंक्शन को डिज़ाइन करते हैं। तो देखो यहाँ पे इस फंक्शन का काम क्या है, यहाँ पे पहले तो आप इस डेफिनेशन को पढ़ लो, बिकॉज ये मस्ट है, इसको जब आप समझोगे तभी आपको समझ में आएगा कि इस फंक्शन का काम क्या है। देखो यहाँ पे है इंट सम ऑफ डिजिट्स इंट एन कॉमा इंट पी। यहाँ पे आपका जो पहला पैरामीटर है ये आपका क्या है, नंबर है, एंड ऑब्वियसली ये जो सेकेंड पैरामीटर है ये आपका क्या है, साइज़ है। उसके आगे दिया हुआ है रिटर्न्स द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर टू द पावर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पोजिशंस यूजिंग रिकर्सिव टेक्निक। तो ये फंक्शन जो है इसको क्या करना है, इसके अंदर नंबर आया, इसने उस नंबर को तोड़ा, हर डिजिट को उसकी पावर पे रेस किया और रिटर्न कर दिया। तो देखो कैसे हो गई, यहाँ पे सिंपली हम ये कर सकते हैं, मैं आपको वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो हमें बनाना है रिकर्सिव फंक्शन, तो रिकर्सिव फंक्शन के ऊपर वैसे तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि रिकर्सिव फंक्शन का बेसिक क्या होता है, पहले आप बेसिक जाके तो देख ही लो कि बेसिक्स क्या होते हैं रिकर्सिव फंक्शन के, और उसके बाद में इस वीडियो को देखो, बिकॉज यहाँ मैं थोड़ा सा जल्दी करूँगा बताने में। तो देखो जैसे रिकर्सिव फंक्शन हमें क्या बनाना है, इंट सम ऑफ डिजिट्स एंड यहाँ पे हमें लेना है इंट एन कॉमा इंट पी। दो यहाँ पे नंबर्स को हम लेंगे, एक नंबर हमारा क्या होगा, एक नंबर हमारा वो नंबर होगा जो जिसका हमें सम ऑफ डिजिट्स निकालना है, एंड पी आपका यहाँ पे क्या होगा, जो आपका साइज़ है वहाँ पे
वो आपका होगा पी। ठीक, तो देखो एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझो आपको करना क्या है। जैसे मान लो क्या था, 135, तो जैसे 135 आपका नंबर था, जीरो आपका सॉरी वन आपका कहाँ पे था, फर्स्ट पोजीशन पे, थ्री आपका कहाँ पे है, सेकंड पोजीशन पे, ये पोजीशन मैं बता रहा हूँ, फाइव आपका कहाँ है, थर्ड पोजीशन पे। तो बेसिकली इस नंबर का साइज कितना है, तीन डिजिट्स का नंबर है, तो इस नंबर का साइज कितना है, थ्री। तो आप सीधे सीधे कर क्या सकते हो, आप यहाँ से क्या करो, आप सारे डिजिट्स को एक एक करके निकालो। सबसे पहले आप पाँच को निकाल लो, लास्ट डिजिट को, उसको रेस कर दो उसके साइज से, मतलब कि थ्री से। ठीक, इसमें आप प्लस कर दो अगला डिजिट, अगला डिजिट क्या है, थ्री है, उसको रेस कर दो साइज माइनस वन से, यानी कि टू से। प्लस फिर निकालो आप इधर एकदम फर्स्ट डिजिट, मतलब धीरे धीरे आप लास्ट से जा रहे हो, मतलब इधर से आप डिजिट निकालना स्टार्ट कर रहे हो। फिर आप निकालो वन को, एंड वन को रेस कर दो इस साइज में, एक और कम कर दो वन पार से। तो कहीं ना कहीं आपको ये करना है, आपको डिजिट्स निकालना इधर फाइव की तरफ से स्टार्ट करना है वन की तरफ तक। तो लास्ट से निकालेंगे डिजिट, बिकॉज जावा में हम डिजिट्स को आखिरी से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम आखिरी से निकाल रहे हैं, वन की तरफ से नहीं चलेंगे, लास्ट की तरफ से चलेंगे और शुरुआत की तरफ तक आएंगे। फिर धीरे धीरे पावर में एक एक साइज हम कम करते जाएंगे। तो देखो कैसे बनना है प्रोग्राम, ध्यान देना है। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ बात कर लेते हैं यहाँ पे बेस केस की। आप डिजिट्स निकालोगे तो, लेकिन आपको रुकना कहाँ पे है, आपको रुकना वहाँ पे है जहाँ पे आपका एन क्या हो जाए, एन क्या हो जाए, ज़ीरो। तो बेस केस आपका क्या होगा, अगर आपका नंबर ये है, एन इज इक्वल टू नंबर आपका ये है, तो आपको रुकना कहाँ पे है, जहाँ आपका नंबर हो जाए ज़ीरो। जैसे ही आपका नंबर ज़ीरो हो जाता है, आपको वापस क्या भेज देना होगा, सम ज़ीरो। तो यहाँ पे आपका बेस केस क्या होगा, इफ़ एन इज डबल इक्वल टू ज़ीरो, आपको क्या वापस भेजना है, रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अगर एन ज़ीरो हो गया तो कहीं ना कहीं ज़ीरो में सम ऑफ डिजिट्स कितना बचेगा, ज़ीरो। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी हुआ है कि रिकर्सिव फंक्शन बनाने के लिए हमारा लॉजिक क्या होना चाहिए, कि हम एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में तोड़ रहे हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा नंबर अगर 135 है, तो ध्यान देना कैसे हम इसमें तोड़ेंगे नंबर्स को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे इस नंबर को दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं। कैसे, देखो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इस नंबर का लास्ट डिजिट अलग कर लेते हैं, लास्ट डिजिट अलग कर लेते हैं, और उसको उस पर पावर लगा देते हैं साइज वाली, दैट इज पी। यानी कि इसको हम दे देते हैं थ्री पावर, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका जो यहाँ पे साइज है वो कितना है, थ्री। तो फाइव की पावर हमने थ्री दे दिया, और इसके बाद हमने फिर से कॉल कर लिया फंक्शन, बाकी के बचे हुए नंबर के लिए। तो बाकी का बचा हुआ नंबर आपका क्या है, थर्टीन है। ठीक है, फिर यही काम आप इसके लिए करो, इसमें से फिर से आप लास्ट डेट निकाल लो, दैट इज़ थ्री को निकाल लो, एंड बचा हुआ नंबर फिर आपका क्या हो जाएगा, वन। और थ्री को, हाँ थ्री क्योंकि निकाला है, तो थ्री की पावर क्या लगा दो यहाँ पे, इस बार साइज कितना है आपका, टू बचा साइज, तो थ्री को टू की पावर से रेस कर दो, है ना। फिर उसके बाद बचा क्या है यहाँ पे, वन। तो वन के लिए फिर से आप इस फंक्शन को कॉल कर दो। अब वन में तो सिर्फ सिंगल वन ही है, फिर वन को जब आप कॉल करोगे तो वन क्या होगा, वन अलग अलग होगा, तो पहले आपका वन निकलेगा, एंड जब वन भी निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचा, ज़ीरो, और वन को आप वन की पावर से रेस कर दो। तो कहीं ना कहीं आपको जो रिकर्सिव फंक्शन बनाना है वो कुछ ऐसा बनाना है। तो आप कैसे तोड़ रहे हो अपनी प्रॉब्लम को, यहाँ पे ध्यान दो, आप कुछ इस तरह ब्रेक कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम को कि आप यहाँ पे कर रहे हो n mod 10। जब आप n mod 10 कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कौन सी चीज़ आ रही है, लास्ट डिजिट उस नंबर का। n mod 10 करोगे तो लास्ट डिजिट आ जाएगा, उसको आपको रेस करना है p पावर से, मतलब जो इस समय आपका साइज है, ये मान लो आपका साइज है, तो इस समय का जो साइज है उसकी पावर से आपको रेस करना है। प्लस आपको क्या करना है, यही काम आपको बचे हुए नंबर के लिए फिर से करना है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स फंक्शन को फिर से कॉल करोगे, किसके लिए, सम ऑफ डिजिट्स फंक्शन को फिर से कॉल करोगे बचे हुए नंबर, यानी कि n डिवाइड बाई 10 के लिए। बचा हुआ नंबर कैसे निकालोगे, 10 से डिवाइड कर दो नंबर को, तो लास्ट डिजिट निकल जाएगा, बचेगा क्या, 13, तो 13 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो n डिवाइड बाई 10 के लिए हम फंक्शन को फिर से कॉल करेंगे, एंड इस बार हम साइज़ क्या भेजेंगे, अगला नंबर ऑब्वियसली साइज एक कम हो जाएगा, तो अगली बार हम एक नंबर भेजेंगे, दैट इज़ p माइनस 1। तो कहीं ना कहीं रिकर्सिव फंक्शन जो हम बनाएंगे वो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक, तो देख लो यहाँ पे इफ़ में तो हमने दे दिया बेस केस, अदरवाइज एल्स में हम यहाँ पे दे सकते हैं,
या एल्स भी नहीं, आप सीधे सीधे यहाँ पे लिख दो, एल्स भी नहीं लिख सकते हो। चलो ये हो जाएगा एल्स, एल्स, और यहाँ पे कर दो रिटर्न। यहाँ ब्रैकेट्स इसलिए नहीं लगाए बिकॉज एल्स और इफ के बाद में सिर्फ एक एक स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो रिटर्न एन, और यहाँ पे आपको पावर करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे आप मैथ डॉट पावर लगाओ, तो यहाँ पे हो जाएगा देखो मैथ डॉट पावर एन मॉड 10 कॉमा, यहाँ पे पावर आपको लगाना है पी, तो मैथ डॉट पावर एन मॉड 10 आपका नंबर आएगा, लास्ट डिजिट आएगा वहाँ से, और उसको रेज कर देंगे पावर पी से, प्लस इसके बाद में मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसके बाद में हमें क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स फंक्शन को दोबारा कॉल कर लेना है, सम ऑफ डिजिट्स, एंड इसके अंदर हमें क्या भेजना है, देखो मैंने यहाँ पे बताया है आपको, नंबर को 10 से मॉड कर देना है, डिवाइड कर देना है, सॉरी नंबर को 10 से डिवाइड कर दोगे तो बचा हुआ डिजिट आ जाएगा, एंड उसको रेज करेंगे इस बार हम एक पावर कम से, तो ये आपको करना है। तो ये रिकर्सिव फंक्शन क्या होगा, बार बार कॉल होता जाएगा, एंड कैसे यहाँ पे वर्किंग हो ये मैंने देखो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो अभी चलो इस फंक्शन को हम लगाते हैं अपने प्रोग्राम में एंड रन करके देखते हैं फिर प्रोग्राम को कि हमारा प्रोग्राम सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो चलो अभी प्रोग्राम वापस से ओपन कर लेते हैं ब्लूजे में, तो चलो देखते हैं अभी इसी फंक्शन को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं, मतलब यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो देखो तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अपने फंक्शन में क्या लगाना है, बेस केस, दैट इज इफ़ एन इज़ डबल इक्वल टू ज़ीरो, तब हमें क्या करना है, रिटर्न ज़ीरो, रिटर्न ज़ीरो, एल्स, एल्स हमें क्या करना है, रिटर्न मैथ डॉट पाव मैथ। अच्छा वहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं बताई थी, वो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा, हमें मैट डॉट पाव में क्या करना है, एन मॉड एन डिजिट आएगा, उसको रेज करेंगे पी पावर से, प्लस इसके बाद में हमें क्या करना है, अपने फंक्शन को कॉल करना है, दैट इज सम ऑफ डिजिट्स, एंड इसके अंदर हमें क्या भेजना है, एन डिवाइड बाई 10, यानी कि बचा हुआ डिजिट रेज टू द पावर, इस बार पावर एक कम करके हम भेजेंगे आगे, ठीक है। तो हमें ये कहीं ना कहीं करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, एक चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको जो मैथ फंक्शन है, मैथ फंक्शन क्योंकि डबल टाइप की वैल्यू देता है, इसलिए आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंट में एक्सप्लिसिट कन्वर्जन लगा के, तो ये कुछ करेंगे हम यहाँ पे। तो आई थिंक प्रोग्राम अभी हमारा कंप्लीट है, अभी इसको हम कंपाइल करके देखते हैं कि कंपाइल होता है कि नहीं। आई डोंट थिंक कोई एरर आना चाहिए, अगर छोटी मोटी गलती होगी तो शायद एरर आ जाए, बट आई डोंट थिंक कोई एरर है। आप देख लो पूरा प्रोग्राम कंप्लीट है हमारा, तो अभी हम इसको कंपाइल करते हैं, देखते हैं। सो कंपाइल्ड, जल्दी जल्दी में सेमी कोलन रह गया, तो सेमी कोलन लगा देते हैं फिर कंपाइल करते हैं। सो कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर और कोई गलती नहीं है यहाँ पे। तो अभी हम इसको रन करते हैं, एंड रन कर लिया, एंड अभी ओपन होके आ गया है यहाँ पे देखो टर्मिनल विंडो। अभी हम यहाँ पे अपना इनपुट देके देखते हैं, और इनपुट में हमने क्या लिया था, यहाँ पे देख लो आप लोग, इनपुट में हमें मतलब कौन सा नंबर लेना था चेक करने के लिए, 135 डिजेरियम होता है, तो 135 नंबर चेक कर लेते हैं, अगर 135 इज अ डिजेरियम नंबर आता है मीन्स हमारा प्रोग्राम सही है। तो यहाँ पे इनपुट करके देखते हैं 135, सो एंटर करते हैं। सो देखो प्रिंट होके आ रहा है दैट 135 इज अ डिजेरियम नंबर, मीन्स हमारा प्रोग्राम करेक्टली वर्क कर रहा है। अभी एक और यहाँ पे इनपुट देके देखते हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस 125 मैंने रैंडमली नंबर दिया था तो नहीं होता होगा, दैट्स वाई यहाँ पे आ रहा है 125 इज़ नॉट अ डिजेरियम नंबर। सो गाइस हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एकदम सही से वर्क कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है कंप्लीट प्रोग्राम। आप पूरा प्रोग्राम देख लो, आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो पॉज करके, और इसको मैं अपनी वेबसाइट पे भी डाल दूंगा amplifylearning.co.in, उसके प्रोग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको चेक कर सकते हो। सो गाइस आई होप आपको ये वाला प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया होगा, एंड यहाँ मैंने एक एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, तो आई होप कहीं ना कहीं आपको पूरा प्रोग्राम समझ में आ गया होगा अभी। तो गाइस अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।